अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 120। और आज के इस लेसन में हम एक 3D बोल्ट होल्डर डिज़ाइन करना सीखेंगे और देखेंगे कि पॉलीगॉन कमांड का हम इस पर कैसे यूज़ करते हैं, इस पर किस तरह काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आटो कैट को ओपन करूँगा और यहाँ से मैं सबसे पहले, और मैं आपको ड्राइंग भी बता दूँ कि हमने जो ड्राइंग ड्रॉ करनी है, आप देख सकते हैं ये ड्राइंग है, इस पे आज हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ से टॉप व्यू में आता हूँ। ओके, पॉलीगॉन POL एंटर करता हूँ, नंबर ऑफ साइड 6 देनी है आपने और एंटर करें, स्पेसिफाई पॉइंट दें एंड सब्सक्राइब करें और इसको F8 प्रेस करके इसको मैं 5 एंटर कर देता हूँ। इसको ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, टू एंटर ऑफसेट लेता हूँ। ओके, इसे इस पॉइंट से मैंने लाइन लेनी है, एल एंटर 20 और यहाँ से एल एंटर एंड 20। ओके, यहाँ से ऑफसेट लेना है मैंने, ओ एंटर 0.6 एंटर, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी लेना चाहें, लेकिन मैं 0.6 ले रहा हूँ, या मैं इसको 0.6 या 0.8 कर लेता हूँ, ओ एंटर 0.9 कर लेता हूँ। ओके, आर्क लेता हूँ, ए एंटर, स्टॉप पॉइंट से आपने लेनी है आर्क और यहाँ पे और यहाँ से ये लें, आर्क ले ली और यहाँ पे इसी तरह यहाँ से भी आप लें, सॉरी यहाँ से अपने बॉटम से लेनी है आर्क, मैं सेंटर पॉइंट पे अपने क्लिक करने सेंटर और यहाँ पे कॉर्नर पे, ओके डिलीट कर दें इनको। और यहाँ से अपने सी एंटर करें, 2 पॉइंट सर्कल लें, ट्रिम करें, TR डबल एंटर, ओके अब ओके, और यहाँ से भी आप इसको ट्रिम करें, TR डबल एंटर, ओके यहाँ से अपने सर्कल लेने, यहाँ से सी एंटर करें और सर्कल आप दें जी यहाँ पे 1.5 इंटर। अब यहाँ पे अपने मिड पॉइंट से आपने यहाँ से लेना जी एल एंटर, ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट ये वाला, इसका यहाँ से आपने ऑफसेट लेना है, ओ एंटर 20 था तो 20 से आपने यहाँ से ऑफसेट लेना जी 8 एंटर, सॉरी ओ एंटर 5 एंटर। ओके, ओ एंटर 1 एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन लेनी है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, एल एंटर, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक और इसी तरह इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको एंड इसको, सर्कल ने सी एंटर 2 पॉइंट, सी एंटर 2 पॉइंट, ओके ट्रिम, TR डबल एंटर, TR एंटर,
यहाँ तक तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको करना है जी, रीजन करना है, बी ओ एंटर करता हूँ, पिक पॉइंट एंटर, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट एंटर। अब इसको मैं यहाँ से 3D व्यू में लेके जाता हूँ और प्रेस पुल कमांड से इसको मैं उठाता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ तकरीबन 4, बल्कि 4 ज़्यादा, मैं 3 इसको उठाऊँगा। थ्री, और यहाँ से इसको उठाऊँगा 3, और इसको मैं उठाता हूँ तकरीबन 2। इसको मूव करता हूँ, एम एंटर, तो मैंने 3 और 2 से मैंने इसको मूव किया, और मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा 0.5। ओके, अब बिल्कुल ये सेंटर में है, देखते हैं, कंट्रोल जेड, एम एंटर, जीरो पॉइंट फाइव एंटर, यस, अब सेंटर में। और अब यहाँ पे इस व्यू में आते हैं और यहाँ से देखते हैं जी क्या क्या मसला हुआ है, इसको डिलीट करता हूँ मैं। और यहाँ से अब मैं इसको जो है तो ये इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ और देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया जी, देख सकते हैं, देखिए ज़रा, बिल्कुल कंप्लीट ऑब्जेक्ट है और हमने सेंटर से बिल्कुल मूव भी कर दिया। तो ये था जी हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट 20, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आप एक प्रोफेशनली मैकेनिकल के इक्विपमेंट अब ड्रॉ कर लेते होंगे। और रही बात असेंबली की कि मैकेनिकल इक्विपमेंट को अपने जोड़ना किस तरह, तो अब जब फील्ड में जाएंगे काम करेंगे किसी मैकेनिकल कंपनी में जो कि आप कार्स वगैरह कार डिज़ाइन करते हैं, इसके अलावा और भी गाड़ियाँ वगैरह डिज़ाइन करने के अलावा और भी मैकेनिकल काम करते हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको तकरीबन इसको असेंबली कैसे करना है वो आपको तरीका टेक्निक वो बता देंगे, क्योंकि हर एक का उनका अपना हिसाब होता है अपने लिहाज से, उनकी मिलीमीटर्स में या जिस तरह भी होता है, और वो अपने हिसाब से होता है सारा काम। तो आप वहाँ पे जाके प्रोफेशनली काम कर लेंगे और बेसिक, बल्कि ये प्रोफेशनली आपको मैं ये जो जितनी चीज़ें सिखा रहा हूँ प्रोफेशनली सिखा रहा हूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।